कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह इन दिनों बिग बॉस में है। बीते दिनों बिग बॉस की कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा ने एक टास्क के दौरान आरती से ऐसे ऐसे सवाल किए कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। टास्क में हदें पार करते हुए शेफाली ने आरती के पति और तलाक को लेकर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, शेफाली ने यह भी कहा कि वो इस घर में सिद्धार्थ शुक्ला से चक्कर चलाने आई है। ये बातें सुनकर आरती बुरी तरह टूट गई और रोने लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि टास्क खत्म होने के बाद भी आरती ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई आरती की शादी हुई थी? क्या आरती का अपने पहले पति से तलाक हो चुका है? यकीन मानिए, इस सच को सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। दरअसल जब आरती का जन्म होने वाला था, उस वक्त उनकी माँ को कैंसर था। डॉक्टर ने माँ से कहा कि अबॉर्शन करा दो, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। लेकिन कृष्णा अभिषेक की माँ ने अपनी जान देकर आरती को बचा लिया। आरती को उनके मामा ने पाला पोसा है। आरती जब मुंबई आई तो यहाँ सीरियल में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एक्टर अयाज खान से हुई। दोनों 3 साल तक रिलेशन में रहे, लेकिन 2015 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस हादसे ने आरती को बुरी तरह तोड़ दिया। आरती की ना ही शादी हुई है और ना ही उनका तलाक हुआ है, वो अभी तक कुंवारी हैं। लेकिन शेफाली बग्गा ने टास्क के दौरान यही झूठ बोलते हुए आरती को परेशान कर दिया। शेफाली की इस हरकत से सलमान खान भी गुस्से में है। आज वीकेंड का वार में सलमान इस बात को लेकर शेफाली की जमकर क्लास लगाएंगे। शेफाली की इस हरकत पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।